बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रही असल अस्हाबे कहफ के कुत्ते पर जन्नत कैसे वाजिब हुई अल्लाह पाक के पाक कलाम यानी कुरान मजीद में कुत्ते को नजसलैन जानवर कहा गया है कुत्ते को नजसलैन जानवर तीन बातों की वजह से करार दिया गया है आखिर कुत्ते की वो कौन सी तीन फितरतें हैं जिनकी वजह से वो नजस जानवर करार दिया गया है नंबर वन पहली फितरत यह है कि वो इस वक्त जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नजूल शुरू करता है अपनी नेमतों की बारिश करता है तो वो उस वक्त ऊंधे मुँह पड़कर सो जाता है यानी सारी रात जागता रहेगा और जिस वक्त अल्लाह की रहमतों का नजूल शुरू होता है यानी सुबह सादे होने लगती है तो इस जानवर पर नींद का गलबा आ जाता है दूसरी फितरत यह है कि वो अपने हम जिनस को देख कर भोंकने भोंकेगा नफरत का इजहार करेगा तीसरी फितरत यह है कि वो अपनी जाई ज़रूरत पूरी करने के बाद बची कुची गिजा ज़मीन में गढ़ा खोद कर उसमें दफन कर देता है ताकि ये गिजा किसी और के काम न आ सके सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर ये इतना ही नजस्त जानवर है तो फिर वो कुत्ता जो अब कहाफ़ का कुत्ता था उसके लिए जन्नत वाजिब क्यों करार दी गई मगर सच और हकीकत यही है कि कुरान पाक में उस कुत्ते के लिए जन्नत वाजिब करार दी गई है असहाब कहाफ़ के वाक़ से पता चलता है कि उनके हमरा एक कुत्ता भी था जो उनके साथ साथ रहता था और उनकी हिफाज़त किया करता था यह कुत्ता उनके साथ कहाँ से शामिल हुआ था यह उस चरवाहे का कुत्ता था जिसने उनके रास्ते में मुलाकात हुई थी और जब चरवाहे ने उन्हें पहचान लिया तो उसने अपने जानवर आबादी की तरफ रवाना कर दिए थे और खुद उन पाक बाज लोगों के साथ हो लिया था क्योंकि वह हक की तलाश और दीदार इलाही का तालिब इंसान था उस वक्त कुत्ता उनसे जुदा ना हुआ यानी जानवरों से जुदा ना हुआ और उन लोगों के साथ शामिल हो गया फिर जब दुश्मन गार के करीब आए तो उस कुत्ते ने अपनी फितरत के मुताबिक भोंकना चाहा, मगर फिर एक दम रुक गया और सर नीचे करके बैठ गया दुश्मन ने जब देखा तो वहां से ये कहते हुए गुजर गए कि अगर ये कोई इंस अगर यहाँ कोई इंसान होता तो ये जानवर ज़रूर भोंकता उस कुत्ते की अपनी फितरत को छोड़ा और खामोश रहा यहीं पर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है सुबह अल्लाह अल्ला पाक तो बस तलाश करता है मौके ढूँढता है कि मैं किस तरह अपनी मखलूक को बख्शूँ अल्लाह पाक हम सब की मफ़रत फरमाना आमीन या रब्बलामी